सत श्री अकाल जी, सांझा पंजाब यूएसए वेख रहे आप सब दा मैं स्वाति सक्सेना निघा स्वागत करती हाँ। लैके हाजिर हुई हाँ देश विदेश दी अहम खबरां। हुण रोजाने दी तरह रुक करांगे पहली खबर दे बारे। पटियाला हिंसा मामले विच मुख दोषी मन्ने जांदे बरजिंदर सिंह परवाना नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शहर दे विच शुक्रवार नूं होई हिंसा दे मामले विच पटियाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली अते थाना लाहौरी गेट विच कुल 6 केस दर्ज किए ने, जिन्हां दे विच 25 व्यक्तियों नूं नाम नाल इत्थे नामजद किया गया अते बाकियां अणपछाते व्यक्तियों नूं नामजद किया गया। इसकी पुष्टि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पटियाला डिवीजन के कमिश्नर चंद्र गेंद, पटियाला रेंज के IG मुखविंदर सिंह छीना, डिप्टी कमिश्नर साक्षी सानी अते SSP दीपक पारिक ने सांझे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान किया। उन्होंने कहा कि इन दे विच 3 नूं गिरफ्तार कर लिया गया, बाकियों नूं जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिविल अते पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि किसी नूं भी शहर दे विच माहौल बिगाड़न की इजाजत नहीं दी जाएगी अते शहर दे विच शांति स्थापित करन दे लई पटियाला पुलिस के जवानों तो इलावा बाकी विंगा की फोर्स नूं भी तैनात कर दिया गया। उन्हें कहा कि जदों हरीश सिंगला का 2 दिन पुलिस रिमांड हासिल किया गया अते बाकी दोषियों भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं मानसा अदालत ने 21 जुलाई के लिए समन जारी किए ने। जानकारी लई दस दईए कि मानसा के सबका विधायक नाजर सिंह मानशाहियां साल 2019 विच आम आदमी पार्टी छड्ड कांग्रेस दे विच शामिल होए सन, जिस नूं लै के भगवंत मान वल्लों टिप्पणी की गई सी। उस समय भगवंत मान ने नाजर सिंह मानशाहिया ते यह इल्जाम लगाए सन कि मानशाहिया दी कांग्रेस नाल डील हुई है, जिस तो बाद नाजर सिंह मानशाहिया ने भगवंत मान के खिलाफ अदालत दे विच मानहानि का केस दायर किया सी। उस केस की पहली तारीख विच अदालत ने 21 जुलाई नूं भगवंत मान नूं मानसा अदालत विखे पेश होने के हुक्म जारी किए ने। भारत दे विच एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले वधण लगे ने। देश दे विच एक दिन दे विच कोरोना के 3,324 नवे मामले सामने आ चुके ने, जिस नाल हुण तक पीड़ित हो चुके लोगों की गिनती वध के 4,30,79,188 हो गई है। सेहत मंत्रालय ने एतवार को यह जानकारी साझी की थी। पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना वायरस के 408 सरगर्म मामले वधे ने, जिन्हों विचों सब तो वध दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश के ने। इस दौरान दिल्ली दे विच सब तो ज़्यादा 107, हरियाणा विच 90 अते उत्तर प्रदेश दे विच 75 सरगर्म मामले वधे ने। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों एतवार सवेरे 8 बजे जारी अंकड़िया मुताबक भारत दे विच वायरस नाल 40 होर मरीजों की मौत मगरों मृतकों की गिनती हुण वध के 5,23,843 ते पहुँच चुकी है। उत्ते ही देश दे विच कोरोना नाल सरगर्म मरीजों की गिनती वध के 19,092 हो गई है, जो कि कुल मामलों का 0.4% है। भारत दे विच कोरोना वायरस तो उभरन की राष्ट्रीय दर 98.74% है। रूस के रॉकेट हमले विच यूक्रेन के तीसरे सब तो वड्डे शहर ओडेसा के हवाई अड्डे का रनवे अते काला सागर का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नूं नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की फौज ने यह जानकारी दी टैलीग्राम से एक पोस्ट विच। यूक्रेन के ऑपरेशनल कमांड साउथ ने कहा है कि रॉकेट हमले तो बाद ओडेसा रनवे वरतों योग नहीं रहा। यूक्रेन की समाचार कमेटी UNIAN ने फौजी सूत्रों के हवाले तो किया है कि स्थानक प्रशासन के लोगों तो सुरक्षित थावां ते शरण लैण नूं कहा। ओडेसा विच धमाके दीआं कई आवाज़ां सुनिया गईआं ने। ओडेसा के खेतरी गवर्नर ने कहा कि रॉकेट रूस के कब्जे वाले क्रीमिया तो दागे गए सन। उन्हें दस्सिया कि किसी के जानी नुकसान की कोई सूचना नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ ने देश में सब तो ज़्यादा आबादी वाले सूबे पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर सौंह चुकी। पंजाब की आबादी लगभग 11 करोड़ है। नैशनल असैम्बली के प्रधान राजा परवेज अशरफ ने इत्थे राजभवन के 47 साल हमजा नूं सौंह चुकाई। इस तो पहला दिन के राजपाल उमर सरफराज चीमा ने साबका मुख्यमंत्री उस्मान बजदार का अस्तीफा रद्द कर दिता अते उन्हां दे मंत्रिमंडल नूं बहाल कर दिता।
चीमा ने हमजा दी चोर नूं संविधानिक रूप दे नाल अवैध करार दिता। राजपाल चीमा ने हमजा दे सौ चुक समागम दे लई राजप्रवन दे सुरक्षा मुलाजमां नूं हटा के सुरक्षा व्यवस्था अपने कंट्रोल विच लैण नूं लै के पंजाब पुलिस की भी आलोचना की। सौ चुक समागम जारी रहने दौरान चीमा ने चीफ जस्टिस को बेनती की कि वह पुलिस के वलों राजभवन को अपने कंट्रोल में लैन के कदम का नोटिस लैन। उन्हें कहा कि वह इस मुद्दे से राष्ट्रपति आरिफ अलवी को पत्र लिखेंगे। पाकिस्तान के सबका प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐलान किया कि उन्होंने अपनी पार्टी के समर्थकों को मई के आखिरी हफ्ते में राजधानी इस्लामाबाद वल मार्च करने तैयार रहने को कहा। खान ने अपनी पार्टी तहरीक ए इंसाफ की कोर कमेटी की एक बैठक तो बाद एक वीडियो संदेश जारी किया। खान ने वीडियो संदेश दे विच कहा कि यह अपील पूरे पाकिस्तान के लिए है, सिर्फ उन्होंने पार्टी लई नहीं है। साबका प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अपील उन्होंने इसलिए की है कि देश को बदनाम किया गया है और सब तो ज़्यादा भ्रिष्ट लोगों को विदेशी साजिश राही सत्ता की चोटी पर बैठा दिया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने अपराध मंत्री कहा जा रहा है क्योंकि मंत्रिमंडल के 60% मैंबर जमानत ने। इस दे नाल ही पाकिस्तान दे पंजाब सूबे दी पुलिस ने साउदी अरब दी मस्जिद ए नवाबी विखे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अते उना दे वफद विरुद्ध नारेबाजी करन दे दोष दे विच साबका प्रधानमंत्री इमरान खान अते 150 होर लोकां दे खिलाफ मामला दर्ज कीता है। अधिकारियों ने कहा कि इमरान दी कैबिनेट दा हिस्सा रहे कुछ मैंबर भी शामिल ने। सोशल मीडिया से फैलियां कुछ वीडियोज़ विच वेख्या जा सकता है कि जिवें ही शरीफ अते उना दा वफद बीते वीरवार नूं मदीना दी पैगंबर मस्जिद विच पहुंचिया तां कुछ श्रद्धालुआं ने उना नूं चोर अते गद्दार कह के उना दे विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। इह श्रद्धालु इमरान दे समर्थक मने जांदे ने। पाकिस्तानी श्रद्धालुआं ने वफद दे मैंबरां खिलाफ अपशब्द भी वरते। मदीना पुलिस ने दावा किया है कि इस संबंध में 5 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार भी किया गया। संयुक्त अरब अमीरात में शवाल का चन नहीं देखा गया जिस कारण एतवार 1 मई रमजान का आखिरी दिन होगा और देश में सोमवार 2 मई को ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। यूएई चन देखने लिए गठित कमेटी ने शनिवार को यह सूचना दी। इंसाफ मंत्री अते चन वेखण वाली कमेटी के प्रधान अब्दुल्ला बिन सुल्तान अल नुएमी ने कहा कि चन वेखण दे शरिया विच दसे गए तरीकों का इस्तेमाल करके चन वेखण की कोशिश अते गुआंढी देशों के संपर्क तो बाद तय कर पाया गया है कि शनिवार शाम शवाल का चन नहीं वेख्या गया। उन्होंने कहा है कि इस आधार से रमजान का आखिरी रोज़ा एतवार को रखा जाएगा और ईद उल फितर सोमवार को मनाई जाएगी। मिस्र दे बहेरा दे नील डेल्टा सूबे दे विच एक 3-पहिया वाहन पलटन दे कारण घट्टो घट 8 बच्चों की मौत हो गई। पब्लिक प्रोसीक्यूशन ने एक बयान जारी करके कहा कि राजधानी काहिरा दे उत्तर दे विच बहेरा कस्बे विच एक फैक्ट्री विच काम करने वाले कर्मचारी 3-पहिया वाहन ते घर जा रहे सन। गड्डी विच 12 लोग सवार सन जिन्हां विचों 8 की मौत हो गई है जबकि बाकी 4 वाल बचे ने। इस्तगासा पक्ष ने अनइच्छित कतलेआम अते लाइसेंस तो बिना लापरवाही नाल ड्राइविंग करन दे दोषां तहत 19 साला 3-पहिया वाहन चालक नूं हिरासत दे विच लै लिया ते पुछगिछ कीती है। उसते मनुखी तस्करी अते बाल मजदूरी दी वरतों विच शामिल होण दा भी शक है। पाकिस्तान दे सिंध सूबे दी जो हिंदू कुड़ी अपने अगवाकारां तो बीते साल मुक्त होण विच सफल हो गई सी उस नूं फिर तो अगवा करके उस दा अगवाकार नाल ही जबरदस्ती निकाह कर दिता गया। सूत्रां अनुसार सिंध सूबे दे शहर कोटी तो 16 अक्टूबर 2020 नूं हिंदू कुड़ी कविता मेघवार नूं अगवा करके उसका जबरदस्ती धर्म तब्दीली करके एक माड़ी बलोच नाम दे मुसलमान नौजवान का निकाह कर दिता गया सी। कविता ने उदो अदालत विच भी अपनी मर्जी नाल निकाह करन दा बयान दिता सी पर मार्च 2021 नूं कविता ने अपने सहुरे घर की छत तो झंडा फहरा के उसनूं कैद तो मुक्त करवाउण की आवाज़ बुलंद की सी।
अदालत के हुक्मां ते कविता नूं पुलिस ने बरामद करके उसके माता पिता नूं सौंप दिता गया। बीते दिन इसे हिंदू कुड़ी कविता मेघवार दा फिर अनवर सोलंकी वासी कोटकी ने अगवा करके जबरदस्ती ही निकाह कर लिया। सो ये सन देश दुनिया दी अहम खबरां। नवीं ताज़ा जानकारी वेखण दे लई तुसी बने रहो सांझा पंजाब यूएसए दे नाल। ते हुण मैं ते आ गया, धन्नवाद।